गए, दो दो लाख ब्राह्मणों जनेऊ तोड़ दिए गए, तब जाकर के धर्म बचा। ये जो आज प्राउड के साथ जय भीम और जय भीम के नारे लगा रहे हैं, इनको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी और अकबर के गोलियां तलवारें हमारे बाप दादाओं ने सीने में झेली, तब ये पीछे जिंदा रहे, तब ये पीछे जिंदा रहे। हमारी आबादी कम है, तुम बताते हो कि तुम 15% हो, तुम ये नहीं कर पाओगे। हमारी आबादी हिजड़ों की तरह ताली बजाकर नहीं खत्म हुई है, मर्दों की तरह देश और धर्म के लिए लड़कर खत्म हुई है। 12-12 साल के राजपूत लड़के, उनकी माताएं इसे तिलक लगा देती थी और युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी, और जो बहनें होती थी वो जौहर कर लेती थी। यहाँ जनेऊ तोड़ दिए जाते थे तब धर्म बचा है। मंगल पांडे भगत सिंह शादी विवाह नहीं किए और देश के लिए लड़ गए, तब ये आजाद है। जिसको आज आप अपने आप को मूल निवासी बता रहे हो ना, एक भी मूल निवासी नहीं खड़ा था देश की आजादी के लिए और धर्म की आजादी के लिए। जिनको यह लगता है कि यहाँ के बाभन ठाकुर इनका शोषण कर रहे हैं, वो एक बार नजर पाकिस्तान पर डाले, जहां ये 23% थे और 1.9% बचे हैं। इनको पता चल जाएगा कि इनका शोषण किसने किया है। हमारे बाप दादाओं ने 565 रियासतें दी, तब इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत जो योजना मिला, तब घर बनवाने के लिए जमीन हो पाया है। ये हमारे बाप दादाओं की देन है, हमारे बाप दादाओं की देन है कि यूनिवर्सिटी बनी है, हमारे बाप दादाओं की देन है कि प्लेटफार्म बने हैं, हमारे बाप दादाओं की देन है कि अनुसंधान केंद्र बने हैं। क्या मिला हमको? नहीं चाहिए आरक्षण की भी, ले जाओ तुम, एक नहीं 20 चंद्रशेखर राव को दे दो, 20 सतपाल तोहर को दे दो, लेकिन अगर तुम्हारी औकात है तो हमारी रियासतें वापस कर दो, तुम्हारी औकात है तो हमारी रियासतें हमारे धन वापस कर दो। नहीं कर पाओगे, कंगाल हो जाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा भारत हमारी रियासतों पर टिका है। हमने अपना सब कुछ छोड़कर अखंड भारत का सपना देखा था। 7 लाख पंडित कश्मीर में काटे गए, भगाए गए, लेकिन उन्होंने आतंकवाद का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने ट्रेन नहीं फूंकी, उन्होंने घर नहीं जलाए, उन्होंने बस नहीं जलाए। क्यों? क्योंकि इस देश से सबसे ज्यादा प्रेम है तो हम राष्ट्रवादियों को है। हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी मिल जाएगा मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा। सही बता रहा हूँ, बाप दादा देश और धर्म के लिए लड़े, उनका लड़का आज सिस्टम से लड़ रहा है, उनका लड़का रिजर्वेशन से लड़ रहा है, उनका लड़का ये सीएसटी एक्ट से लड़ रहा है। भारत में पहले जब मृत्यु दंड दिया जाता था तो मृत्यु दंड के अपराधी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी कि नहीं पूछी जाती थी, मृत्यु दंड के अधिकारी से आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। लेकिन हमारे देश का संविधान तो देखिए, हमारे देश में समानता का अधिकार तो देखिए, हमारे देश की डेमोक्रेसी तो देखिए, यहाँ यह सीएसटी एक्ट में आखिरी इच्छा भी नहीं पूछी जाएगी कि आप सही हो कि गलत। सोचिए, हम एक मृत्यु दंड अपराधी से भी बदतर स्थिति में है। मुस्कुराइए मत, सोचिए, चिंतन करिए, कहां थे कहां पहुंच गए, कहां थे कहां पहुंच गए और आने वाले समय में कहां पहुंचेंगे। यह स्पष्ट कह रहा हूं कि आज अगर आप नहीं जग पाए, आज नहीं जग पाए तो ना फिर कोई संपत सारस्वत पैदा होगा आपको जगाने के लिए, ना कोई सुखदेव सिंह गोगा मेरी पैदा होगा आपको जगाने के लिए, ना कोई दिनेश रनेजा होगा आपको पैदा जगाने के लिए, और ना ऐसी सभाएं होंगी। तब आप बहुत देर कर चुके होंगे, क्योंकि तब बहुत देर हो जाएगी, तब आपके जागने का भी मतलब नहीं रहेगा। देश की रक्षा की बात करते हो, धर्म की रक्षा की बात करते हो, मैं कहता हूं कि जब तुम ही नहीं बचोगे तो देश और धर्म कैसे बचेगा।